पक्षी थोड़ी थोड़ी बातों को समझते हैं, बोलने का प्रयत्न भी करते हैं। जो पैरट होते हैं, तोता होते हैं, जो लोग घर में पालते हैं, लेकिन उनसे राम राम बोलो तो राम राम बोलने का प्रयत्न करते हैं, जो भी उनसे बोलो बोलने का प्रयत्न करते हैं। और जो चराइयों जो होती है, जो जिसमें जानवर आते हैं, उनमें चार कलाएं होती हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। विज्ञान उनके साथ और जुड़ जाता है। पशुओं में भी आप देखें ना तो बहुत विज्ञान माने समझ, ज्ञान पशुओं में बहुत समझ होती है। वैसे तो सब में समझ होती है, लेकिन गौ माता जितनी तो समझ किसी में नहीं। बोलो भगवान ने ऐसी उसकी नासिका में कुछ मशीन लगाई हुई है कि आज का विज्ञान भी उतनी अच्छी मशीन नहीं बना पा रहा। अगर कोई बम खोजना हो तो मशीन बाद में खोज पाएगी, वो कुत्ता पहले खोज लेगा। गंध को पहचानता है। और इस इन सब जीवों में स्नेह भी होता है, प्रेम भी होता है। और मनुष्यों में पांच कलाएं कही गई है, जरायुज में ही आता है। एक झिल्ली के द्वारा ढका हुआ होता है। कलाओं की अगर हम बात करें तो केवल उद्भिज में एक कला होती है, और स्वेदज वाली जो सृष्टि है उसमें दो कलाएं होती हैं। अंडज वाली जो सृष्टि कही गई, जो अंडे से उत्पन्न होती है, उनमें तीन कलाएं हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। देखिए चार भागों में विभक्त किया गया, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरा। पशु 30 लाख और मानव 4 लाख। थोड़ा थोड़ा सा भेद है सब में। आप देखिए हर प्रांत के, हर जगह के कुछ ना कुछ मनुष्यों में अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार से और इनको